आज की हमारी रेसिपी है फिश करी। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा तेल डालें और उसके बाद ये फिश लिया है हमने और फिर उसके बाद उसमें आटा लगाया है और फिर इसके बाद इसे तेल में फ्राई करना है 2 मिनट के लिए। दो मिनट से ज्यादा ना करें, ये आटा लगा के हमने थोड़ा सा फ्राई किया इसे। आटा लगा लें और इसे तेल में फ्राई कर लें 2 मिनट। और जैसा कि आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी, सबसे पहले हमने थोड़ा तेल डाला और फिश लिया, उसे साफ किया। साफ करने के बाद थोड़ा सा आटा लगाया और फिर इसके बाद हमने 2 मिनट के लिए उसे फ्राई किया। अब फ्राई करने के बाद उसे निकाल लें। ये देखें, जैसे हमने जो फ्राई किया है ये देखें, ये हमारी बाली है मच्छी के अंदर रहती है, इसे बैदा बोलते हैं मच्छी का। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई कर ले 2 मिनट के लिए। ये हमारी मच्छी की बाली है। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ये हमारी मच्छी की बाली है, जैसा आज हमने आपको फिश करी में बना के दिखाया। इसे भी फ्राई कर लें 2 मिनट के लिए। 2 मिनट करें, ज़्यादा ना करें। ये हमारा प्याज है और इसे हल्का सा लाल करना है और लाल कर लें इसे। और उसके बाद थोड़ा सा राई है उसे डाल दें। और हमारी आज की रेसिपी है फिश करी। लाल करें इसे, हल्का सा लाल कर लें। ये हमारा फिश करी का मसाला है और ये हमारा प्याज है जो लाल हो चुका है। उसके बाद उसमें हमें मिलाना है, इसे अच्छे से 5 मिनट तक बना लें, पक जाएगा ये। 5 मिनट तक इसे पकाना है हमें। और इसे घोटते रहे, चला लें, चलाएं इसे। हमने नमक लिया है थोड़ा सा स्वाद के मुताबिक और उसे मसाले में अच्छे से मिला लें। यह हमारी मच्छी है, हमने फ्राई किया था
अब उसके बाद जैसा कि हमने मसाला बनाया है उसमें उसे मिला लें। 20 मिनट तक हमें इसे पकाना है। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालें ताकि हमारा मसाला जो थोड़ा बेहतरीन बने, स्वाद हो उसमें। और इसे 15 से 20 मिनट तक हमें पकाना है। और इसे बंद कर दें 20 मिनट के लिए। और ये हमारी फिश करी थी, आज की हमारी रेसिपी है और बन के रेडी हो चुकी है जैसा आज हमने आपको बना के दिखाया। और ये हमने 20 मिनट के बाद इसे खोला है और ये हमारी फिश करी बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमें थोड़ा सा कोथमीर उसमें डाल दें। और ये हमारी आज की रेसिपी थी, फिश करी जैसा हम आज हमने आपको बना के दिखाया। और इसी तरह हम हर नई नई रेसिपी आपको बना के दिखाते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।